यहाँ आ जाए समिति, समिति के इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेटी, तो कमेटी आ जाए तो समिति की परिभाषा दीजिए और समिति की आवश्यकता तो कुछ तरीके से भी है, तब ताज़ा विशेषता आ जाए परिभाषा आ जाए कुछ देखना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। जब व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नियमों द्वारा एक संगठन का निर्माण करते हैं तो हम इसी संगठन को समिति कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि समितियाँ आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होती हैं। समितियाँ क्या होती हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होती हैं। और संस्था क्या होती थी? संस्था इनमें आवश्यकताओं का भी ध्यान, इनमें हितों का भी ध्यान रखा जाता था। संस्थाओं में इनमें आवश्यकताओं की पूर्ति का भी महत्वपूर्ण साधन है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य क्या है? सदैव प्रयत्नशील रहता है, सदैव कुछ ना कुछ करता रहता है मनुष्य। तो ये हो गई उसकी क्या, समाजशास्त्र में समिति की अवधारणा का बड़े अर्थों में किया जाता है। जब किसी व्यवसाय को औपचारिक या व्यवस्थित संगठन से युक्त किया जाता है या जोड़ा जाता है तो उसके लिए समिति का गठन किया जाता है। जैसे इफको, BHEL, भेल, ये बड़ी बड़ी समितियाँ हैं। क्या हैं ये? समितियाँ। समाजशास्त्र में जो समिति की अवधारणा है वो बड़े अर्थों में प्रयोग में की जाने, जब किसी व्यवसाय को औपचारिक व्यवस्थित संगठन से युक्त कर दिया जाता है तो उसे हम समिति कहते हैं। जैसे इफको और यह विशाल समितियाँ हैं। आधुनिक भारत में व्यापार, उत्पादन, वितरण, राजनीति सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना सर्वोपरि होती है। मतलब हितों की रक्षा के लिए नियम, संगठन, पद्धति, सीधी सीधी परिभाषा है समिति की, मनुष्य के हितों की रक्षा और उन्नति के निश्चित नियम, संगठन, पद्धति और औपचारिक विधि से समूह की स्थापना की जाती है, उन्हें हम समिति कहते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में कमेटी यानी समिति का जो शब्द प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, किंतु इन विज्ञानों में समिति की केवल सुविधाजनक जो सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो समिति की जो अवधारणा है, तो देशों की पूर्ति के लिए जब हम एक समुदाय के कुछ सदस्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे समिति कहते हैं। किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति, समिति क्या, किन्हीं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब एक कम्युनिटी, या जब एक कम्युनिटी के कुछ सदस्य आपस में सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, किसी बहुत बड़े संगठन का निर्माण करते हैं, उसे हम कमेटी कहते हैं। कम्युनिटी के कुछ सदस्य सहयोग के आधार पर संगठन निर्माण करते हैं उसे कमेटी कहते हैं। कम्युनिटी के कुछ सदस्य, कमेटी तो बनाएंगे ना, समिति की परिभाषा नहीं मिलेगी, समिति की अर्थ और परिभाषा। जब अपने हितों की पूर्ति के लिए एक जैसे हितों वाले व्यक्ति सम्मिलित होकर प्रयत्न करते हैं तो इसे हम समिति कहते हैं। तो अब दूसरी परिभाषा आ गई कि एक जैसे हितों वाले व्यक्ति जब सम्मिलित होकर के एक उसी क्षेत्र में प्रयासरत होते हैं तो इसे हम समिति कहते हैं। अब परिभाषा ये टानिच के अनुसार, आधुनिक समाज में सार्वजनिक जीवन, व्यापार, विज्ञान, सत्ता, बाजार आदि से संबंधित विभिन्न हितों की सुरक्षा के लिए निर्मित समूहों को हम समिति कहते हैं। तो समिति क्या होती है? किसी एक विशेष क्षेत्र में जो लोग सम्मिलित होते हैं, कार्य करते हैं, उसी को हम कमेटी या समिति। मैं कई बार पेज की छोटी इनको देख लेते हैं, मैं कई बार पेज, आधुनिक समाजों में विशेष हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं समिति कहते हैं। हम निम्न कॉप आगमन की देख लेते हैं। समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्य विशेष हितों की पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। जिन वर्ग की देख लेते हैं, सामाजिक प्राणियों का समूह जो विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के एक संगठन बनाते हैं समिति कहलाते हैं। तो समिति की परिभाषा कोई सी भी लिख देना जो आपको याद रहे, वही परिभाषा चलेगी। अब समिति की विशेषता है या समिति के तत्व है, तो पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो तत्व है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो समाज लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित दो तत्व होते हैं, एक तो संगठन होता है, एक तो कार्यप्रणाली होती है। तो समिति संगठन है, कमेटी क्या है? एक संगठन है। संगठन मतलब लोगों का संगठन, व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं और संगठित इकट्ठे होकर के अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो एक सी सोच, एक से कार्य वाले व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं, एक सी सोच रखते हैं, एक सी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो एक तो संगठन बनाते हैं जिसको समिति कहते हैं। अब दूसरा है कि समान उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन। समितियां उद्देश्य प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। मनुष्य अपने विशिष्ट तथा समान हितों की सिद्धि के लिए जब एक संगठन को बनाते हैं तो यह समिति कहलाती है। समान उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन, तो आपको तो पता ही चलेगा कि समिति क्या है? एक संगठन है, इसमें समान उद्देश्यों वाले लोग रहते हैं और इसमें विजिबिलिटी रहती है, मतलब सभी एक जागरूक रहते हैं, विजिबिलिटी रहती है, मूर्तता रहती है। तो ये मूर्तता क्या है कि जागरूक रहते हैं। समिति मनुष्यों के संगठन समूह प्रत्यक्ष रूप से होती है, जिसे हम देखा जा सकता है। समिति व्यक्तियों के संगठन का समूह है जो मूर्त होता है। मनुष्यों का समूह है यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। समिति एक संगठन समूह होता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्य के हम समिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समिति क्या है? एक मनुष्यों का समूह है। समिति क्या है? एक सहयोग की भावना है। सहयोग किसका? एक सी सोच वाले लोगों का, जो एक सी हित वाले लोगों का, जो एकजुट होकर के ये हितों की पूर्ति करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग की भावना रखें,
तो उसे हम सहयोग की भावना कहते हैं। अस्थायी प्रकृति टेम्परेरी नेचर, टेम्परेरी नेचर। अनेक व्यक्ति समान स्वार्थी समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब तक समिति उनके हितों की रक्षा करती है तो वो अपनी समिति बनाए रहते हैं, और जब उसकी जो समिति उनका पूरा नहीं करेगी, स्वार्थ पूरा नहीं करेगी, तो वो उसमें काम ही नहीं करते, तो बहोरी में जाए त्याग पत्र दाई दो ये इससे। इसलिए समिति अस्थायी होती है, क्योंकि जब तक स्वार्थ मनुष्य के स्वार्थ बनते रहेंगे तब तक वो कार्य करते रहेंगे, वरना टाटा बाय बाय। समान उद्देश्य, अरे समान उद्देश्य सब कुछ समिति में होकर होता, समिति में जो होता है समान उद्देश्य, अस्थायी प्रकृति, सहयोग की भावना, मनुष्यों का समूह तो है संगठन, तो ये सब क्या है, समिति। समान उद्देश्य, जब तक निजी स्वार्थ वाले लोगों के उद्देश्य पूर्ण होते रहेंगे तब तक वो समिति बना रहे, उनके हितों से जो लोग मिलते जुलते रहेंगे उनको भी उसमें शामिल कर लें। जैसे उदाहरण के लिए क्लब में कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि क्लब में कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ बिलियार्ड, कुछ ताश, ये सब एक जैसे हित वाले। स्पष्ट है कि समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं, क्योंकि जो कुछ लोग बिलियार्ड खेलते हैं तो बिलियार्ड खेलेंगे, जो टेनिस खेलते हैं वो टेनिस खेलेंगे, जो ताश खेलते हैं वो ताश खेलेंगे। तो ये अब समिति और संस्था में अंतर क्या है, तो समिति की परिभाषा तो हम देख ही चुके हैं। तो अब समिति और संस्था में हम अंतर देख लेते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह होने के कारण ये मूर्त है। कैसे है? मूर्त है, लेकिन संस्था अमूर्त है। संस्था क्या है? अमूर्त है। संस्था नियमों, व्यवस्थाओं, विधि विधानों, कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होने के कारण ये अमूर्त है। अब समिति क्या है? समितियाँ स्थापित की जाती हैं और संस्था स्वतः विकसित हो जाती है। समितियाँ कम स्थिर होती हैं और संस्था अधिक स्थिर होती हैं। समितियों का अपना एक नाम होता है, संस्थाओं का कोई प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे चर्च का प्रतीक चिन्ह क्रॉस इस वगैरह।